जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक कितने रसूल आए हैं, या सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब तक आते हैं, इसके बीच में कोई और भी रसूल आए हैं, और कभी किसी औरत ने भी रसूल होने का दावा किया है या जी नहीं? क्योंकि जितने भी रसूलों के नाम हैं, जो सब वो सब मेल ही हैं, जो पिछले जी भी हैं, तो ऐसा क्यों है कभी किसी औरत ने रसूल होने का दावा क्यों नहीं किया? जी या वो अकल में काम है, या फिर अल्लाह जो है उनको इस काबिल नहीं समझता? क्या जी बनता? ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि इस सवाल के जवाब की जो सवाल का पहला हिस्सा है, पहला सवाल आपका यह है कि क्या मोहम्मद जो है, मोहम्मद के बाद सिर्फ आप ही आए हैं या फिर इस दौरान और भी कोई आए हैं मोहम्मद के बाद। ठीक जी है, तो आपने लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया रसूल। ठीक है, जी दूसरा सवाल जो है वो आपका ये है कि क्या जितने भी रसूल आए हैं वो सारे के सारे मर्द ही हैं या फिर कोई औरत भी हुई है, और जी अगर सारे के सारे मर्द ही आए हैं, कोई औरत नहीं आई, तो इसकी वजह क्या है? क्या औरत जो है उसका दिमाग इतना नहीं है, या फिर अल्लाह जो है उस औरत को इस काबिल समझता ही नहीं है कि उसे ये जिम्मेदारी दी जाए? ऐसा ही है ना। जी अब आते हैं आपके पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल आपका ये है कि क्या मोहम्मद के बाद सिर्फ और सिर्फ आप ही आए हैं या फिर आपके अलावा भी, यानी कि आपके मोहम्मद के दरमियान और भी रसूल आए हैं? तो इस सवाल को का जो जवाब है उस वक्त आपके ऊपर, यानी कि वाजह नहीं, उस वक्त तक वाजह नहीं होगा जब तक कि आप रसूल और जो नबी है उसमें फ़र्क नहीं समझ लेते। ठीक है, रसूल और जी नबी उसमें फ़र्क नहीं समझ लेते। जब तक आपके ऊपर ये फ़र्क वाजह नहीं होगा, तब तक आप जो है वो इस सवाल का जो जवाब है वो आपको नहीं मिलेगा, आप इस बात को समझ नहीं सकेंगे। ठीक है ना। जी ठीक है और अगले सवाल की तरफ भी फिर आएंगे, और वो तब तक समझने में और आसान हो जाएगा जब इसके ऊपर बात की जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि रसूल होता क्या है, रसूल होता क्या है, रसूल का मकसद क्या होता है। ठीक है जी जी, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा मुख्तसरन बात करूँ, ज़्यादा इसको डिटेल के अंदर ना लेके जाऊँ, क्योंकि अलकिताब में भी पूरी डिटेल के साथ मौजूद है जो अलकिताब है। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे तो इसमें कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आपको ना मिले। इसमें हर लिहाज से, हर पहलू से, हर बात को खोल खोल कर वाजह किया। ठीक है, और इसके अलावा मौतली नशस्तें हैं, उनमें भी बात की गई, जैसे ख़त्म नबूत वाला मौजू है उसके अंदर भी जो है वाजह किया गया कि रसूल क्या होता है, रसूल का मकसद क्या होता है। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर हम यहाँ पर कोशिश करते हैं मुख्तसरन जो है वो इसको वाजह कर देते हैं। देखें, सबसे पहले तो यानी कि जो बुनियाद है उसकी तरफ आया जाएगा। बुनियाद क्या है कि आपको सुनने के लिए कान दिए गए, ना सिर्फ कान दिए गए बल्कि देखने के लिए आंखें दी गई, फिर सिर्फ सुनने और देखने की सलाहियत नहीं दी गई बल्कि जो सुनाई और दिखाई देता है उसे समझने की सलाहियत भी दी गई। ऐसा ही है ना, ऐसा है या नहीं? अगर तो मैं कहीं पर गलत हूँ तो साथ साथ आपने बता देना है कि नहीं, ये बात गलत है या सही नहीं है, या फिर आपको समझ नहीं आ रही, मेक सेंस नहीं कर रही। ठीक है ना, ताकि साथ साथ क्लियर होता चले। ठीक है ना जी। अच्छा, आपको, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये सलाहियतें आपको क्यों दी गई? कान आपको दिए गए क्यों दिए गए, आंखें दी गई क्यों दी गई, जो इन कानों से सुनाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, तो समझने की सलाहियत दी गई तो क्यों दी गई? बगैर मकसद तो नहीं दी गई ये चीज़ें आपको? जी क्या बगैर मकसद के दी गई? नहीं, बड़ा मकसद से तो नहीं है। मकसद, अब मकसद क्या है मैं आपके ऊपर वाजे कर देता हूं। बिलफर्ज मेरे हाथ में ये क्या है? साथी मार्कर। क्या है मेरे हाथ में? मार्कस मार्कर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शय है इसका मकसद क्या है? तो मकसद कैसे वाजे होगा? इसमें जो क्वालिटीज हैं, जो सलाहियतें हैं वो दिखी जाएंगी। इसमें सलाहियतें क्या है, इसमें सलाहियत क्या है? सलाहियतें या सलाहियत वाजे करती है कि शय का मकसद क्या है, यानी सलाहियतें तय करेंगी कि इस शय का मकसद क्या है? मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल आपके सामने रखते हैं। आप एक कुत्ता लेकर आते हैं और एक बकरी लेकर आते हैं, एक कुत्ता और एक पर कोई लेकर आते बकरी हैं। लेकर आते हैं।
मैं आपसे सवाल करता हूं, अब आपने जानवरों की या किसी शय की रखवाली करवानी है तो उस रखवाली के लिए क्या आप बकरी को तैनात करेंगे, बकरी को रखेंगे या फिर कुत्ते को? कुत्ते को रखेंगे। क्यों, बकरी को क्यों नहीं? क्योंकि उसकी सलाहियतें उससे डिफरेंट है। बिल्कुल, बकरी के अंदर वो सलाहियतें ही नहीं है। अब मैं आपसे सवाल करूं, अगर कुत्ता ही हो आपके पास, आप लेकर आए लेकिन उसमें सलाहितें नहीं है, यानी वो बिल्कुल बकरी के जैसा है, वो बिल्कुल बकरी, कोई चोर आए, कोई डाकू आए, कोई भी आए तो वो दबक कर बैठ जाता है, वो भाग जाता है, डर जाता है, क्या उसको आप चौकीदारी पर रखेंगे, माल की हिफाजत पर रखेंगे? नहीं। क्यों? सलाहितें नहीं है। सलाहितें नहीं है मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी भी शय का मकसद क्या है, उसकी साख्त देखकर, उसका डिजाइन देखकर यह तय नहीं किया जाएगा कि भाई इसका डिजाइन चूंकि ये है तो लिहाजा इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ना तो साख्त मकसद तय करेगी, ना डिजाइन मकसद तय करेगा, ठीक है ना, ना लंबाई ना चौड़ाई, बल्कि मकसद कौन तय करेगा? मकसद तय करेगा उस शय में मौजूद सलाहितें, ऐसा ही है ना। तो आपको कान दिए गए बिलफर्ज, मान ले जी आपको नहीं पता क्यों दिए गए, आंखें दी गई मान ले नहीं पता क्यों दिए गए, दिमाग दिया गया मान ले नहीं पता क्यों दिए गए, लेकिन ये देखें कि कानों में सलाहियत क्या है, आंखों में सलाहियत क्या है, दिमाग में सलाहियत क्या है। जब आप सलाहियतों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कानों से सुनने की सलाहियत है, आंखों से देखने की सलाहियत, और फिर दिमाग जो है जो सुनाई और दिखाई देता है उससे समझने की सलाहियत, ऐसा ही है ना। लिहाजा आपको गौर करें जरा, आपको जब ये सलाहियतें दी गई, सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत और जो सुनाई और दिखाई देता है उसे समझने की सलाहियत, किसने दी? आपके रब ने दी। तो क्या आपका रब आपको बेमकसद में ही सलाहियतें देगा? जी नहीं, बेमकसद तो कोई चीज नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आपके रब ने आपको ये सलाहियतें क्यों दी? तो इसका जवाब यह है कि जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, उसे सुनो और उसे देखो। फिर जरा गौर करें, आपको क्या सिर्फ सुनने देखने और समझने की सलाहियत दी गई है, इसके अलावा और भी सलाहियतें दी गई? आपको हाथ भी दिए गए ना, टांगे भी दी गई, टांगों से चला जा सकता है इधर उधर, आप बॉडी को ले जा सकते हैं, हाथों से कुछ किया जा सकता है, अशिया को इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे प्रोसेस कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा ही है, यानी अमल किया जा सकता है। तो अब देखें जरा गौर करें, सबसे पहली चीज आपको सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें दी गई, और क्या सिर्फ यही दिया गया? नहीं, बल्कि जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी गई, और क्या सिर्फ इतना कुछ दिया गया? नहीं, बल्कि इसके आगे आपको अमल करने के लिए हाथ दिए गए, और जहां अमल करना है वहां आपके हाथों को ले जाने के लिए क्या दिया गया? टांगे दी गई, ऐसा है या नहीं? जहां आप समझते हैं कि वहां मैंने जाकर सुनना है, वहां कोई शायद जो जो जिसे मैंने सुनना है, जिसे देखना है, वो यहां नहीं वहां आया, तो वहां ले जाने के लिए टांगे दी या नहीं दी? लिहाजा अमल करने से पहले, यानी कि ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपने जो सुना उसको मान लिया जाए, हाँ जी ठीक है ऐसा ही है, जो देखा मान लिया जाए, ऐसा ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी सुनाई और दिखाई दे रहा है सबसे पहले उसे समझा जाएगा, जब तक समझ नहीं लिया जाता तब तक उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा, हाथों को हरकत में नहीं लाया जाएगा। अच्छा, अब जो भी आपको सुनाई और दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो है ये कायनात। जब आप कायनात को सुनेंगे, देखेंगे और इसे समझेंगे तो आपके ऊपर क्या वाजे होगा? आपके ऊपर ये वाजे होगा कि ये जो आपका जिस्म है, ये जो आपका जिस्म है बिल्कुल यही मिसाल कायनात की है। ये कायनात एक ही वजूद है, जितनी भी मखलूकात हैं ये इस कायनात के अज़ा हैं, ठीक है ना जी। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं और इनकी मिसाल बिल्कुल आपके जिस्म में अज़ा के जैसी है। जब तक तमाम के तमाम अज़ा, यानी तमाम के तमाम मखलूकात अपने अपने मकाम पर रहते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे तो ये वजूद ठीक रहेगा। अगर कोई एक भी मखलूक अपने मकाम से हटती है
या जिम्मेदारी नहीं पूरी करती या लापरवाही करती है, उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आसमान ज़मीन में खराबी हो जाएगी, फसाद होगा, फिर तबाही आएंगी, हलाकतें आएंगी। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि कोई एक भी मखलूक ऐसे नहीं है कि जो अपने मकाम से हट रही है, बल्कि हर मखलूक आपको नजर आएगा कि अपने अपने मकाम पर रहते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रही है, सिवाय हजरत इंसान के। जब इंसान अपने गिरेबान में झांकता है, जब इंसान अपने गिरेबान में झांकता है तो उसे नजर आता है कि भाई सूरज की अपनी जिम्मेदारी है, चांद की अपनी जिम्मेदारी है, दरख्तों की अपनी जिम्मेदारी है, समंदर की अपनी जिम्मेदारी है, हवाओं की अपनी जिम्मेदारी है, जमीन की अपनी जिम्मेदारी है, मुझे पता ही नहीं मेरी जिम्मेदारी क्या है। पहली बात, मुझे पता ही नहीं मेरी जिम्मेदारी क्या है। दूसरी बात, जब मैं इस वजूद में एक पार्ट, एक पुर्जे की मानिंद हूं, तो फिर जाहिर है मुझे बगैर किसी वजह से तो नहीं लाया गया, बगैर किसी मकसद से नहीं लाया गया। जब मुझे बगैर किसी मकसद से नहीं लाया गया और मैं अपने मकाम पर नहीं हूं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा, नहीं करूंगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आसमान ज़मीन में फसाद होगा। मेरी वजह से बहुत सारी मखलूकात जो हैं वो अपने मकाम से हट जाएंगी, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगी। जैसे मिसाल के आपका दिल काम करना छोड़ दे तो जो भी दिल से मुतल्लिका अज़ा हैं वो सारे के सारे डेड हो जाएंगे, वो नहीं काम कर पाएंगे। कर पाएंगे नहीं। यानी सादा सी बात है कि इस कायनात की मिसाल बिल्कुल आपके जिस्म की सी है, बिल्कुल आपके जिस्म, आपके जिस्म में अगर कोई एक भी उज्व अपनी जिम्मेदारी से लापरवाही करता है तो उससे रिलेटेड जितने बाकी अज़ा है वो भी ऑटोमेटिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाएंगे। नतीजा का निकलेगा, नतीजा जो है वजूद में खराबी हो जाएगी, जिसे आप बीमारी कहते हैं। अगर उस बीमारी को दूर नहीं किया जाएगा, बीमारी दूर कैसे होगी? वो उस वक्त तक दूर नहीं होगी जब तक कि हर मखलूक अपने मकाम पर वापस आ नहीं जाते। तो अगर ऐसा नहीं होता तो इस वजूद की जो डेथ हो जाएगी, बड़ी सतह पर इसका जो है वो नुकसान होगा। ठीक है ना। अब जब कायनात की मिसाल आपके जिस्म की सी है तो फिर दूसरी बात यह है कि आया कायनात देखा जाएगा, कायनात ये चाहती है यानी कि आपको सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत देगी। जब आप समझेंगे तो क्या कायनात आपको ये बता रही है भाई आज जो रिचाए उठे मेरे साथ पंगा ले, छेड़छाड़ करे, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी? या फिर हकीकत यह है कि कायनात ये बता रही है कि मैं कोई एक भी अमल, राइट बराबर भी अमल जो मेरे खिलाफ किया जाता है मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करती, रिजेक्ट कर देती हूँ, मुँह पर दे मारती हूँ? जी जी। कायनात आपके ऊपर ये वाजे कर रही है कि मैं अपने शरीक को बर्दाश्त नहीं करती, जो भी मेरे साथ शिरक करेगा मेरा शरीक बनेगा, मेरे साथ यानी कि मुतसादम होगा, मेरी जिद बनेगा, मैं उसे ना सिर्फ सफा हसी से मिटा दूंगी बल्कि उसको इंतहाई अजियतनाक तरीके से मिटाऊंगी। ठीक है ना। और भी मिटाना ये नहीं है कि अगर आप ये बशरी वजूद आपकी यानी कि वफात होगी आप ख़त्म हो गए, नहीं, बल्कि इससे अगले मरहल में आप जाना है, वहां अजियत, उससे अगले मरहल में जाना है, वहां अजियत, उससे अगले मरहल में जाना है, वहां अजियत, उस वक्त आप अजियत का शिकार है कि जब तक ये जो जमीन है जहां मौजूद है इसकी अजले में सम्मान नहीं आया, इसका एंड नहीं आ जाता, और वो अरबों साल का पीरियड है जी। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब आपके ऊपर ये चीजें वाजे हो गई, और अगर आसान करना है तो और आसान यूं समझने कि एक बादशाह है, एक बादशाह है, वहां पर आप मौजूद हैं, और बादशाह जो है वो कहता है कि अगर मेरी सल्तनत के अंदर किसी ने एक राय बराबर मेरी नाफरमानी की तो मैं उसको उल्टा लटकाऊंगा, उसको मैं इबरत का निशान बना दूंगा, तो क्या आपकी जरूरत पड़ेगी कि एक राय बराबर भी अमल जो है वो बादशाह के खिलाफ करें या बादशाह की खिलाफ अर्जी करें, नाफरमानी करें? जरूरत पड़ेगी आपकी? हर लम्हे आपको ये ख्याल होगा या नहीं होगा, ये एहसास होगा या नहीं होगा कि मैंने कोई भी काम करना तो पहले कन्फर्म कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं लाइलमी में बादशाह के खिलाफ कोई कदम उठा बैठूं, कोई काम कर बैठूं? फिक्र होगी या नहीं होगी? तो कोई भी काम, कोई भी अमल आप बगैर इत्मीनान किए करेंगे? सवाल ही पता है क्यों? क्योंकि आपको जब यह फिक्र होगी कि अगर मैंने कोई एक भी अमल ऐसा किया जिससे बादशाह को तकलीफ हुई, बादशाह को नुकसान पहुंचा, बादशाह का गजब भड़का, तो मैं नहीं बचूंगा, तो आप क्या करेंगे? आप एक एक कदम फूक फूक कर रखेंगे, ऐसा ही है जी। बिल्कुल बिल्कुल यही मिसाल जो है इस कायनात की, कायनात समझिए वो बादशाह है जो कहता है कि एक राय बराबर भी अमल अगर मेरे खिलाफ किया गया तो मैं उसे निशाने विरुद्ध बना दूंगा, इससे पहले कि वो अपनी सलाह कर ले। जी समझ आ रही है? नहीं आ रही जी उस्ताद जी। बिल्कुल उसके लिए बेहतर है अगर वो अपनी सलाह कर लेता है तो वो बच जाएगा, वरना वो नहीं बचेगा। तो अगर
यानी कि आप ये जो आपको कान दिए गए, आंखें दी गई, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है, ऐसा समझने की सलाहियत देगी, जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर ये हकायक वाजे हो जाएंगे, उसके बाद आप के ऊपर यानी कि ये फिक्र लाहक हो जाएगी, मुसलत हो जाएगी कि भाई मैंने एक राई बराबर भी अमल नहीं करना उस वक्त तक जब तक कि मेरे पास उसके बारे में मुकम्मल इल्म नहीं आ जाता, हिक्मा नहीं आती, मैं मुतमिन नहीं हो जाता, ये हो जाती। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक भी अमल जो है बगैर इल्म हिक्मा के किया तो नतीजा ना हलाकत मेरे अपने लिए है, ठीक है ना? जी बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, वह सवाल ये पैदा होता है, अगर आप यानी कि स्टेज पर होते हैं, हक के तलबगार हैं, आप हक के लिए इधर रुख करते हैं, उधर रुख करते हैं, आप देखते हैं भाई हक तो किसी के पास नहीं, हर कोई फसाद कर रहा है, तबाही मचा रहा है जी। आप उधर जाते हैं, आपको इत्मीनान नहीं होता, उधर जाते हैं आप मुतमिन नहीं होते, उधर जाते हैं मुतमिन, आपको पता चलता है हर एक ने दुकानदारियाँ खोली, बिलाहर आप क्या करते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप कहते हैं ऐ मेरे रब तू कौन है, तू क्या है, तू कहाँ है? हाँ मुझे इतना पता है कि मैंने खुद अपने आप को खलक नहीं किया, मुझे खलक करने वाला कोई ना कोई है और जो है मैं उसी से मुखातिब जी। बेशक आप ये समझते होंगे ये कायनात अलग है, वो अल्लाह अलग है, तो आप ये कहेंगे कि मैं नहीं चाहता कि मैं ये जो तेरी कायनात है, ये तेरी तख्लीक है, इसके साथ छेड़छाड़ करूँ, इसमें शिर्क करूँ, यानी तेरा शरीक बनूँ। और ये कैसे मुमकिन है? ये किस सूरत में मुमकिन है? तू मेरे ऊपर हक वाजे कर, तू मेरे ऊपर हक वाजे कर, हक वाजे कर। अब अगर तू हक वाजे नहीं करता और मैं फिर फसाद ही करता हूं तो फिर मुजरम मैं नहीं होऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं होगी, कल को तुझे हिसाब लेगा तो तू मुझसे हिसाब नहीं ले सकता, मैं तो तुझे कह दूंगा मैंने तो तुझे हिदायत मांगी थी, तूने मुझे हिदायत दी नहीं थी, ठीक है ना? अब जब हर तरफ गुमराहियां होती हैं, नूर की एक किरण भी होती है और कम अज कम कोई एक फर्द भी अगर हिदायत का तलबगार हो इस तरह जो मैंने आपको बताया, तो रब ने अपने ऊपर रहमा कुतब कर ली। आप कुरान में पढ़ते हैं रब ने क्या किया, रब ने अपनी जात पर रहमा कुतब कर ली। रहमा किसे कहते हैं? हिफाजत करना, बचाना, महफूज करना, ठीक है जी। हिदायत देना रब ने अपने ऊपर कुतब कर लिया। ऐसी सूरत में फिर रब क्या करता है? देखें, आपको नहीं पता रब क्या है, आप समझ रहे हैं कायनात अलग है और अल्लाह अलग है, ऐसा ही है ना? लिहाजा आपको नहीं पता कि अल्लाह कलाम कैसे करता है, अल्लाह हिदायत कैसे देता है, आपको पता ही नहीं, आपको पता नहीं आपका खालिक कौन है। ऐसी सूरत में रब क्या करता है? रब तो हर लम्हे हिदायत दे रहा है, ये सारा रब क्या वजूद है? रब तो प्रैक्टिकली में है, कलाम कर रहा ही नहीं कर रहा, लेकिन आपको नहीं पता होता ये रब है, आपको नहीं पता होता ये रब है, आपके अंदर यानी कि आप इस स्टेज पर नहीं होते कि आप जो है वो इस कदर आगे जा सके, लिहाजा आप जब गिड़गिड़ाते हैं फिर रब के ऊपर लाजिम हो जाता है कि रब फिर आपकी रहनुमाई करे, रब फिर क्या करे? रहनुमाई करे जी, रहनुमाई करे। अब रहनुमाई कैसे करनी है? जारी बात है, आप बशर हैं तो आपको कोई और जबान आप समझने की सलाहियत नहीं रखते, तो फिर आपको आप ही की जबान में ना सिर्फ बताया जाए बल्कि आप ही की सूरत में यानी एक बशरी सूरत में जो आपको बताया जा रहा है उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। क्यों प्रैक्टिकल करके दिखाना क्यों जरूरी है? प्रैक्टिकल करके दिखाना इसलिए जरूरी है कि अगर सिर्फ जबान से ही वाजे किया जाता है तो कल को कोई भी यह कह सकता है कि ये बातें जबान से तो अच्छी लगती हैं, ये बातें जबान से तो सूट करती हैं लेकिन इनके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता, ये काबिले अमल नहीं है, इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी उस्ताद जी बिल्कुल। लिहाजा रब क्या करता है? रब खुद आता है एक बशरी सूरत में। किस सूरत में? बशरी सूरत, एक बशरी सूरत में। यानी कि वो कैसे आता है? रब जब बशरी सूरत में आता है तो बिल्कुल उसी तरह आता है जैसे आप जन्म लेते हैं, ठीक है जी। और जब रब बशरी सूरत में आता है तो वो सबसे लो तरीन माशरे में आता है, सबसे जाहिल तरीन माशरे में आता है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि मैं तो इससे भी निचले तबके से ताल्लुक रखता था लिहाजा मेरे लिए ये अमली नमूना नहीं था, ये एग्जाम्पल नहीं था, मेरे लिए ये हुज्जत नहीं था। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा?
لہذا رب ایک بشری صورت میں آتا ہے، یہ جو رب کا بشری صورت میں آنا ہے یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں رسول۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ لایا ہوا، بھیجا ہوا، رب کا بھیجا ہوا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو یہ نہیں علم ہوتا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، نہیں پتا ہوتا۔ وہ بھی باقی عام بچوں کی طرح اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے والدین کو نہیں پتا ہوتا۔ ہاں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے ساتھ کہ اگر وہ غور کرے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک یعنی کہ آرڈنری بچہ نہیں ہوں، میں یعنی کہ وہ ایک یعنی سب سے ہٹ کر ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ فیلنگز اس کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ فیلنگز کیوں ہوتی ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ لہذا وہ بچہ جیسے باقی پیدا ہوتے ہیں، آپ پیدا ہوتے ہیں، اس طرح وہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آپ پلتے بڑھتے ہیں اس طرح پلتا بڑھتا ہے۔ جیسے آپ کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح اس کو بھی سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب وہ بچہ نوجوان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ باقی کی طرح نہیں ہوتا۔ باقی کیا کرتے ہیں، باقی جس پر انہوں نے اپنے بڑوں کو پایا، اپنے والدین کو پایا، اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں اندھوں کی طرح۔ لیکن وہ بچہ کیا کہتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے میں جب پیدا ہوا تھا، وجود میں آیا تھا، میں 100% والدین کا محتاج تھا، لیکن پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ جو میری ڈپینڈنسی تھی والدین کے اوپر، جی ڈپینڈنسی جو میری والدین کے اوپر تھی 100%، وہ آہستہ آہستہ ریڈیوز ہوتی گئی۔ 100 سے وہ جو وہ میری طرف جو اختیار ہے وہ میری طرف منتقل ہوتا گیا یا نہیں ہوتا گیا؟ جب پیدا ہوا میں 100% والدین کا محتاج تھا، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے، میں ہل نہیں سکتا تھا، جہاں مجھے رکھ دیتے تھے میں وہیں رہتا تھا، بول نہیں سکتا تھا کچھ بھی، ہر لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے 100% والدین کا محتاج، چلنے کے لحاظ سے، ادھر ادھر ہونے کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، یہاں تک کہ مجھے تو یہاں تک شعور نہیں تھا کہ کوئی میری طرف آ رہا ہے تو وہ مجھے قتل کرے گا، میرا دشمن ہے یا پھر میرا مددگار ہے، میری نصرت کرنے والا ہے، میرا حمایتی ہے، جی میرا ہمدرد ہے، جی یہاں تک نہیں پتا تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جیسے جیسے بڑا ہوتا، سفر آگے بڑھتا ہے، تو میری جو ڈپینڈنسی ہے والدین سے جو 100% تھی وہ ریڈیوز کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 99 میں 1% خود محتار ہو گیا، پھر 2%، پھر 30%، 3%، 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، آہستہ بڑھتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ میں ہر معاملے میں 100% با اختیار ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی بھی سوجھ بوجھ شعور مجھے دے دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثریت باقی 99 معاملات میں خود مختاری کا دعویٰ کرتی ہے، خود سے پہنتی ہے، اپنی پسند کا پہنتی ہے، اپنی مرضی کا کھاتی ہے، خود نہاتی ہے، سارا کچھ خود کرتی ہے، لیکن صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس حوالے سے وہ آج بھی با اختیار ہونے کے باوجود، با شعور ہونے کے باوجود اپنے والدین کے، اپنے بڑوں کے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ اسے ہی صحیح کہہ رہے ہیں جس کو ان کے بڑوں نے صحیح کہا، اسے ہی غلط کہہ رہے ہیں جس کو ان کے بڑوں نے غلط کہا۔ اچھا وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ بچہ چونکہ شروع سے ہی وہ یعنی کہ وہ اس کے اندر جو سمجھے بغاوت ہوتی ہے، بغاوت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں، وہ ایک آزاد بچہ ہوتا ہے، وہ غلامی پسند نہیں کرتا۔ وہ غلام ہوتا ہے تو وہ اصولوں کا ہوتا ہے، قوانین کا ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور وہ اصول یا قوانین مین میڈ نہیں، نیچر کے۔ یہ کوالٹیز اس بچے میں بچپن سے موجود ہوتی ہیں، اور یہی وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو اسے اندر سے وقتاً فوقتاً یہ احساس دلاتی ہیں کہ تو ایک عام بچہ نہیں ہے، تو ان باقیوں کے جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بے شک وہ اس کا اظہار نہیں کرتا، لیکن اندر سے یہ چیزیں اس کو ابھارتی رہتی ہیں، اندر سے اس کو احساس دلاتی رہتی ہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی استکبار آ جاتا ہے یا وہ کوئی اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ سمجھتا کہ میں بڑی بلا ہوں، نہیں۔ جتنا اس کو یہ احساس ہوتا ہے وہ اتنا خود کو جھکاتا ہے، اتنا وہ کیا کرتا ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو جھکاتا چلا جاتا ہے کہ اگر میرے اندر کوئی خامی ہے بھی تو وہ بھی نکل جائے، اگر میرے اندر کوئی خامی ہے بھی تو وہ بھی دور ہو جائے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، جب وہ بچہ باشعور ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں، باقی سارے غلط ہیں، باطل پر ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں ہی حق پر ہوں، باقی سارے باطل ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں، باقی سارے باطل پر ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے سارے کے سارے حق پر ہوں، کیسا ممکن ہے؟
भाई हक या तो कोई एक ही हो सकता है या फिर सारे के सारे बातल हैं, इनमें से कोई भी हक पर नहीं, ऐसा ही है ना, हकीकत तो ये है ना। लिहाजा वो बच्चा देखता है आया वो क्या वजह है, वो क्या दलील है, क्या बुनियाद है जिस बुनियाद पर हर कोई ये दावा कर रहा है मैं हक पर हूं बाकी सारे बातल हैं। तो देखता है हर किसी के पास यही दलील है, यही बुनियाद है, क्योंकि मैंने अपने बड़ों को इस पर पाया है, क्योंकि मेरे बड़े इसी को सही कहते रहे, मेरे बड़े इसी को गलत कहते रहे, लिहाजा इसलिए मैं भी इसी को सही और गलत कह रहा हूं। ठीक है जी। जब उस नौजवान के सामने यह चीज आती है तो वह नौजवान क्या करता है, वो कहता है कि अब अगर मैं भी यही करूं, मैं भी कहूं भाई जिस पर यानी कि जिसे मैंने अगर जिस पर मैंने अपने बड़ों को पाया अगर मैं भी उसे हक कहूं सही कहूं, मुझसे कोई पूछेगा तो मैं क्या उसको जवाब दूंगा, मेरे पास भी यही जवाब होगा ना, क्योंकि मैंने अपने बड़ों को इसके ऊपर पाया। समझ आ रही नहीं आ रही जी। तो मुझ में और उनमें फर्क क्या रह गया, कोई फर्क रह गया, कोई फर्क नहीं रहा। लिहाजा वो बच्चा ये नहीं करता, वो क्या करता है, वो सबसे पहले उस दीन के ऊपर नजरसानी करता है जिस दीन पर उसने अपने बड़ों को पाया होता है। वो कहता है कि भाई जैसे मैं बाकी 99 मामलात में खुद मुख्तार हूं, अपने फैसले खुद कर रहा हूं, उसी तरह ये जो सही क्या है और गलत क्या है, सही और बातिल का जो गलत और सही का फर्क करने की जो सलाहियत है ये मेरे रब ने मुझे दे दी, मेरे अंदर आ चुकी, मैं सही और गलत करने का फैसला करने की सलाहियत रखता हूं, लिहाजा आज मैं उसे सही और उसे गलत नहीं करूंगा जिसको मैंने अपने बड़ों को कहते हुए पाया। हो सकता है मेरे बड़े गलत हों जी, हो सकता है मेरे बड़े गलत हों, क्यों, क्योंकि मेरे बड़ों का भी यही कहना है कि हम उसी दीन पर हैं जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया, लिहाजा ये साचोने की दलील थोड़ी है, अगर ये साचोने की दलील है तो फिर सारे सच्चे हैं जी। लिहाजा बेशक मैं अपने अबाउजदाद के दीन पर कायम रहूं, लेकिन शर्त यह है कि पहले वो हक साबित हो जी। अब अगर मैं समझता हूं कि मेरे अबाउजदाद जिस पर दीन पर थे, जिस पर मैंने अपने बड़ों को पाया, वो हक है, और दलील मैं ये पेश करता हूं जी क्योंकि मैंने अपने बड़ों को इस पर पाया, तो बाकी सबके पास यही दलील है, लिहाजा मैं ऐसा नहीं करूंगा बल्कि क्या करूंगा, मैं तहकीक करूंगा, मैं नजरसानी करूंगा, मैं नजरसानी करूंगा। वो बच्चा क्या करता है, वो नौजवान क्या है, वो नौजवान सबसे पहले फिर उस दीन के ऊपर नजरसानी करता है जिस पर उसने अपने बड़ों को पाया। जब वो नजरसानी करता है, गौर फिक्र करता है, तो देखता है भाई ये तो जहालत है। आपको क्या कहा गया कि किसकी मिल्लत पर कायम होना है, आपका अब्बा कौन है, अब्बा मोहम्मद है या इब्राहिम, आपका अब्बा तो इब्राहिम है, किसकी मिल्लत पर चलना है, मोहम्मद की या इब्राहिम की मिल्लत पर जी, कुरान में किसकी मिल्लत कहा गया बताए ना, इब्राहिम की मिल्लत, इब्राहिम की मिल्लत, तो ये है इब्राहिम की मिल्लत, ये क्या है इब्राहिम की मिल्लत, ये है इब्राहिम की मिल्लत। तो इब्राहिम ने क्या किया, इब्राहिम ने सबसे पहले उस दीन को ठोकर मारी जिस पर अपने बड़ों को पाया, उसने क्या किया, अब्बा ये जो आप कर रहे हैं ये तो शिरक है, ये तो गुमराही है, आगे से अगर ब्लैकमेल किया गया या कुछ भी हो, इब्राहिम ने परवाह नहीं की, की परवाह बताएं जरा, नहीं नहीं की परवाह। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इब्राहिम ने गौर फिक्र करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे गौर फिक्र करता शुरू करता गया पता चले ये फिरका भी गलत है, ये फिरका भी गलत है, ये फिरका भी गलत है, ये फिरका, जब सारे के सारे फिरके गलत साबित हो गए, जो जो भी हक के दावेदार था सब के सब गलत बेबुनियाद बातें साबित हो गए, अब इब्राहिम जो है वो परेशान हो गए, हक की तलब उतनी ही बढ़ चुकी थी, ठीक है जी, तलब और तड़प उतनी बढ़, अब इब्राहिम हक के लिए तड़प रहा था, अब समझ नहीं आ रही थी मैं जाऊं कहां, मैं क्या करूं, लिहाजा वही बात है, मेरे रब तू कौन है, तू क्या है, तू कहां है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तूने मुझे खलक किया, मैं ये जानता हूं कि जब तूने मुझे खलक किया तो सिर्फ सिर्फ तुझे ही इल्म है कि तूने मुझे किस मकसद के लिए खलक किया, इसलिए सिर्फ सिर्फ तू ही एक वाहिद ऐसी जात है जो ये जानता है कि मुझे किस मकसद के लिए खलक किया, वो मकसद क्या है, मैं उसे कैसे पूरा कर सकूं, लिहाजा मेरे ऊपर ही मेरा मकसद वाजे कर, और अगर तू मेरे ऊपर ही मेरा मकसद वाजे नहीं करता और मैं भी बाकी की तरह गुमराह का गुमराह चला जाता हूं, तो कल को अगर तू हिसाब लेता है, मुझे ये भी नहीं पता हिसाब होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर गौर फिक्र किया जाए, देखा जाए, तो हिसाब तो वाकई नहीं बनता है, अगर कोई भी शय है, किसी की भी शय पड़ी हुई है, आप उसको जाके अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो जिसकी शय वो आपको छोड़ेगा जी, नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह ये कायनात इतनी पेचीदा तरीन, जब
जो सुनने के लिए कान दिए गए, तूने मुझे जो कान दिए, जो आंखें दी, जो सुनाई और दिखाई, उसे समझने की सलाहियत दी, मैं इस कायनात को समझ रहा हूँ। ये इंतहाई पेचीदा है, ये इंतहाई कीमती है। अगर मैं अब अपने अमाल से इसके साथ छेड़छाड़ करता हूँ, फसाद होता है, तो कल को अगर तू मुझसे हिसाब लेगा, पूछेगा तूने इसको नुकसान क्यों पहुँचाया, तो फिर मुझसे हिसाब ना लेना, या तो मेरे ऊपर हक वाजे कर, या फिर कल को तू हिसाब नहीं ले सकता। लिहाजा फिर आपने क्या किया, रब ने फिर हक वाजे किया। कैसे वाजे किया, वो अब आगे बढ़ेंगे तो वाजे हो गया। इब्राहिम ने क्या किया, इब्राहिम ने फिर गौर व फिक्र शुरू कर दी। जब गौर व फिक्र शुरू किया, यानी जो सुनने के देखने, सुनने और देखने और समझने की सारी इन सलाहियतों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आहिस्ता 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 हक आना सामने शुरू हो गया। अब कानों से वही सुनाई देता जो जाहिर है, आंखों से वही दिखाई देता जो जाहिर है। अब जो सुनाई और दिखाई सिर्फ जाहिर दे रहा है, तो उतना ही समझ में आएगा ना, जो अब सुनाई और दिखाई दे रहा है। जी जी। अब इस हद तक क्या, इस हद तक जब इब्राहिम के सामने हक आ जाता है, तो इब्राहिम क्या करता है, इब्राहिम फिर पीछे नहीं हटता, डट जाता है। जब इब्राहिम डट जाता है, तो फिर एक वक्त आता है, यानी वो तो लोग उसके सामने मुनाजरे होते हैं, बातचीत होती है, इस तरह आमना सामना होता है। एक ऐसी शख्सियत जो एक स्टेट होती है, स्टेट के साथ आमना सामना हो जाता है। इब्राहिम जो है वो जो स्टेट है, स्टेट की पॉलिसियाँ, रियासती पॉलिसियाँ, उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देता है। जी वही कि ये जो तुम उगा रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो, ये फसाद है। तो लिहाजा वो जो स्टेट है, वो इब्राहिम के साथ आर्गू करना शुरू कर देती, इसको ये नमरूद कहते हैं। जी अब जब इब्राहिम के साथ आर्गू हो रहा है, तो इब्राहिम कहता है कि यानी कि मेरा रब जो है, ये यानी कि वो क्या करता है, मौत को है ही करता है। तो वो स्टेट का जो सरबराह है, वो अपने चेलों के जरिए कह रहा है, मौत को आई तो हम भी खा रहे हैं, बारिशें हम बरसा रहे हैं मसनू तरीके से, यानी बारिशें हम बरसा रहे हैं, बीज जेनेटिकली मॉडिफाई हम, खादे हम, सारा कुछ हम कर रहे हैं, तो रब तो हम हुए ना। जी बात का माना जाना तो हमारा हक है ना, हमारी बात मानी जाए। अच्छा, यहां पर इब्राहिम को एक चीज जो है उसकी कमी महसूस हुई, वो क्या, इब्राहिम ने जो दलाइल दिए वो जाहरी थे। जाहरी क्या, बारिशें। इब्राहिम ने कहा ये बारिशें कौन बरसाता है, कौन पानी बरसाता है, कौन बीज को जो है वो उगाता है, कौन इसको बड़ा करता है फसल को, तो वो तो जरा पता सारा कुछ जैसे आज साइंसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। जी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह उस वक्त भी हो रहा था, और आज से 90 गुना बढ़कर हो रहा था। ठीक है जी, आज से कई गुना आगे की टेक्नोलॉजी थी, मखलूकात के जो है वो सार और दाढ़ तब्दील किए हुए थे। दाढ़ जो है वो बैल का और बहुत बड़ा, और सार जो है वो दिमाग इंसान का, जी ह्यूमन बीइंग का, क्यों, बैल में ताकत होती है और इंसान में दिमाग ज्यादा है, अकल ज्यादा है, तो ये करतूत किए हुए थे। समझ आ रही है भी नहीं आ रही है। तूने क्या, अगर ये रब की पहचान है तो रब तो मैं हूं। यहां पर इब्राहिम को एहसास हुआ कि मेरे पास नामुकम्मल इल्म है। यहां पर इब्राहिम को एहसास हुआ कि भाई मैं तो सिर्फ, मेरे पास तो सिर्फ जाहिर का इल्म है, बातिन का इल्म है ही नहीं। यानी कि ये जाहिर तो मैं देख रहा हूं, ये ऐसे ऐसे मखलूकात वजूद में आ रही हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है, ये जो मौत को हयात किया जा रहा है, निबातात वजूद में आ रही है, उनसे जानदार वजूद में आ रहे हैं, ये निबातात और जानदार इससे पीछे कैसे वजूद में आए, जमीन के अंदर क्या प्रोसेस है, उसके पीछे क्या प्रोसेस है, पानी कहां से आया। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा। जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। यहां पर ये कुरान में भी आयात हैं, इब्राहिम ने कहा कि ए मेरे रब मैं क्या चाहता हूं, सूरह अल बकरा की आयात है, निकाल लें, 260 वाली आयत है, ये देखें। इससे पीछे जो 258 वाली आयत है, उसमें क्या है, अलम तरा इला इल्लजी हाजा इब्राहिम फी रब्बी अन आताहु अल्लाहुल मुल्का इज काल इब्राहिम रब्बी अल्लजी युही व युमीत। यानी कि क्या नहीं देखा उस शख्स, उस जात की तरफ के, जिसके लिए जो इब्राहिम जो है हुज्जत थी उसके रब में। जी और वो कौन सा है, वो शख्स जिसे हमने मुल्क जो है अता किया हुआ था, यानी मुल्क का मतलब क्या है, वो शख्स जिसने ताकत के बल बोते पर अपना इक्तदार जो है वो कायम किया हुआ था। ठीक है जी, जी ताकत जंगों के बल बोते पर, अपनी टेक्नोलॉजी अपनी ताकत के बल बोते पर उसने अपनी स्टेट जो है वो कायम की हुई थी। इस काल तब कहा इब्राहिम ने रब्बी अल्लाज़ी यूही व युमीत, यानी वही जो वो जो कुछ कर रहा था उसके मुकाबले पर इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब का मतलब क्या है, कि ये जो कुछ तू भी कर रहा है ये शिर्क है, ये नहीं करना चाहिए, ये दुश्मनी है रब के साथ। मेरा रब वो ज़्यादा जिसकी इतात व इतबा की जाए, जिसकी गुलामी की जाए। जी ये तूने लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। जी अच्छा आगे से, अच्छा मेरा रब कौन सा है, अल्लाह जी कौन सी ज़्यादा, वो ज़्यादा यूही भाई में, तो जो ज़ात है ही कर रही है मौत को,
ही कार्य या और मौत कार्य, यानी जो जात मटेरियल को यानी कि निबातात और इनसे जानदार वजूद में आ रहे हैं, बाकी जो फिर ये डेड हो रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेस। काला आना वही युवा में, तो उसने कहा कि अगर ये यानी कि रब होने की ये पहचान है, इता किसकी की जानी है, इताद उसकी की जानी है जो हई और मौत कर रहा है, तो उसने कहा ये तो मैं कर रहा हूं, आना वही युवा में, तो मैं तो मैं भी कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये देखिए फसलें कौन उगा रहे, बीज किसके कब्जे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड तब्दीलियां जी, मैं जैसे चाहता हूं बीज बना रहा हूं, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा जी, बिल्कुल क्लियर, जिस तरह चाहता है फसलें उगा रहा हूं, बारिशें बरसा रहा हूं, पानी बरसा रहा हूं, नहरी निजाम हर चीज मेरे कंट्रोल में है, सारा कुछ मैं कर रहा हूं, ये तो मौत और हयात तो मैं कर रहा हूं। यहां पर इब्राहिम जो है वो फिर आगे कुरान खामोश क्यों हो गया, इस वजह से हो गया कि यहां पर इब्राहिम को एहसास हो गया कि मैं सिर्फ मेरे पास सिर्फ ज़ाहरी ज़ाहरी इल्म है, बातिन तो मेरे पास आया ही नहीं, अगर मेरे पास इससे पीछे का इल्म होता तो मैं इसे लाजवाब कर देता यहीं पर, लेकिन इब्राहिम ने बजाय इसके शकिस्त तस्लीम करने के इब्राहिम ने रुख चेंज किया, कहा काला इब्राहिम, कहा इब्राहिम ने फाइन अल्लाह, पास इसमें कुछ नहीं अल्लाह था, क्या था अल्लाह, याति बि शम्सि मिनल मशरिक, जो अल्लाह था वो क्या है, याति खुद ही आ रहा है, अल्लाह आ रहा है, बि शम्सि शम्स है ये सूरज की सूरत में जो आ रहा है, ये कौन आ रहा है, ये अल्लाह आ रहा है, मिनल मशरिक मशरक से, फाति बिहा मिनल मगरिबी, अगर तू रब है तो तू फिर तू सूरज जो है मगरिब से ले आ, जी मगरिब की सूरत में तू आ, फिर मगरिब से यानी कि उल्टा सिलसिला चला दे। आप यहां पर भी ये ज़हन में रखें, यहां पर भी इब्राहिम सिर्फ ज़ाहर की बुनियाद पर बात कर रहा है, क्योंकि अगर इब्राहिम को बातिन का इलम होता तो इब्राहिम कभी भी ये ना कहता है याति बिशम्सि मिनल मशरिक, समझ आ रही नहीं आ रही, यहां इस स्टेज पर इब्राहिम को यह नहीं इलम कि सूरज नहीं जमीन घूम रही, समझ आ रही नहीं आ रही, इब्राहिम यही समझ रहा है कि सूरज घूम रहा है, इस वजह से इब्राहिम कह रहा है कि तू फिर सूरज को इधर से उधर ले जा जी। तो ये जो चीजें हैं ये जाहिर की बुनियाद पर जहां तक इब्राहिम था, तो इब्राहिम को यानी वही आगे से टक्कर मिली, इब्राहिम लाजवाब हुआ लेकिन इब्राहिम ने एहसास नहीं होने दिया, तो इसके बाद जाके जो हुआ था वो क्या था आगे जरा गौर कीजिएगा, वो आयत नंबर 260 में है, वह इज काला, और तब कहा था, यानी जब ये मामला हुआ था ना, समझा ही नहीं आ रही जी, बिल्कुल, तब कहा था इब्राहिम इब्राहिम है, अब यहां पर माजी का नहीं हाल का सिखा, इब्राहिम हो ये वाला इब्राहिम, कौन सा इब्राहिम, जारी बता जो इन आयात को बयान कर रहा है, क्यों उसके साथ भाई इसके साथ ये हुआ है, ये मुशाहदा हुआ है तो हयात बयान कर रहा है ना जी, जी इस प्रोसेस से गुजरा है, ये जो इब्राहिम सामने बैठा है इस प्रोसेस से गुजरा है, इसी वजह से ये सारा कुछ बता रहा है, वैसे ये बता सकता था, आज तक कोई बता सका मिलते इब्राहिम क्या है, क्यों नहीं बता सकते, रबी आरिनी कैफा तुहिल मौता है, मेरे रब आरिनी क्या मैं देख सकता हूं कैफा किस तरह तुहिल मौता, तो ये जो यानी कि जो हई कार है इसकी मौत को कैसे वजूद में लाया, यानी कि ये जो मवाज है जिससे निबातात बन रही हैं, निबातात आगे जानदार बन रहे हैं, ये इससे पीछे जो मटेरियल है ये आया कहां से, समझ आ रही है नहीं आ रही, ये मटेरियल है आया कहां से, काला अवलम तुम, आगे से रब कह रहा है, कौन कह रहा है, रब कह रहा है, रब कौन, नेचर, इब्राहिम ने किसको कहा, रब को कहा, रब को कहना ये नहीं है कि जबान से कहा है मेरे रब मुझे दिखा दे ये है वो, नहीं, सबसे पहली बार रब भी आरिनी, मेरे रब क्या मैं देख सकता हूं, रब कौन है, नेचर, तो गौर व फिक्र करने की कोशिश की कि मैं बातिन में जाऊं, बातिन में क्या है, बातिन में क्या है, क्या आगे से नेचर जो है वो बातिन नहीं दिखा रही, आगे से नेचर अपने अमल से प्रैक्टिकल में रिप्लाई कर रही है, काला अवलम तुमिन, नेचर आगे से कह रही है, नेचर ने आगे से जवाब दिया क्या, और तू जो है वो नहीं मान रहा, यानी जो तुझे दिखाया है अब तक, जो तुझे दिखाया है समझाया क्या वो तू नहीं मान रहा जी, तो कहा काला, कहा बल बल बल्ला बल्कि, यानी नहीं ऐसी बात नहीं है, वो सारा हक है मैं मानता हूं, यानी ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जब दूसरा पहलू तेरे सामने लाया जाए तो तू कहे मैं पहले तो भाई गुमराह था, पहले तो मैं गुमराह था, गुमराह था, ये रब ने पहले वाजह किया तू गुमराह नहीं, यानी बाद में ये नहीं कहना कि मैं गुमराह था जब मामला तो और सामने आ जाए, बल्कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चा पहली क्लास में होता है उसके बाद अगली दूसरी में जाता है फिर तीसरी में जाता है जी, जी सर, तो हाँ पहली क्लास में पहली क्लास का सबक ही होगा, दूसरी क्लास में जाकर आप ये नहीं कह सकते भाई मुझे पिछली क्लास में गलत सबक पढ़ाया जाता रहा,
ठीक है ना, उस स्टेप पर वही हक है। वो बातिल तब साबित होगा जब आप उस स्टेप से हटाकर उसको अगले स्टेप पर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो ये अकाल आवालम तो हमें आगे से नेचर कह रही है, अपन प्रैक्टिकल से नहीं ना राजबाजे कर रही, नहीं राज खोल रही, ठीक है। मुझे पता ना भाई, मैं रातों को उठ के रोता था, समझ आ रही नहीं आ रही जी? बिल्कुल, मैं रातों को उठ के रोता था, आंसू के साथ रोता था, मैं आवाज में बोलता था, मैं कहता था कि क्यों मैं, जब मैं हक का तलब कर रहा हूँ, क्यों नहीं मेरे ऊपर हक वाजे कर रहा। वही बात कि जब कल को हक तेरे सामने वादे किया जाए, फिर लोगों की मिलामतों की तो परवाह करेगा जी? पहले अपने आप को स्टेज का, यानी कि स्टेज का हल तो साबित कर। तो कहा, वादा किया, नहीं दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा, मैं किसी साइंस की परवाह नहीं करूंगा। समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी, क्योंकि आगे जो राज आने हैं भाई, वो आपके मुशाहिदात के बिल्कुल बरक्स आने हैं, बातिन आना है आपके सामने। समझ आ रही है नहीं आ रही? आगे जो राज आपके सामने आ रहे हैं, वो जो साइंस है उसको चैलेंज करने वाले राज आने हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप साइंस के मुकाबले फिर ठंडे पड़ जाओ, नहीं भाई ये तो मैं कहीं गलती ना साबित हो जाऊं। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी, तो भाई ये चीज आगे काला कहा बल्ला बल्कि, यानी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल हक है। मैं यानी कि वही चीज सारे अपने अमल से किरदार से वाजे किया, वलाकिन लियुत्मियन्ना कल्बी, और लेकिन मैं क्यों देखना चाह रहा हूं, किसके लिए? अपने कल्ब के, अपने दिल के इत्मीनान के लिए, दिमाग नफ्स के इत्मीनान के लिए नहीं, दिल के इत्मीनान के लिए। जी, तो दिल का इत्मीनान कब होता है भाई? दिल तो तब ही मुतमिन होगा ना जब दिल वो सुन लेगा, वो देख लेगा जो दिल सुन और सुंदर देखता है जी। बातिन, बातिन दिल आपका जो दिल है वो बातिन की आंखें हैं। पहले आपका नफ्स मुतमिन हुआ, उसके बाद दिल मुतमिन, नफ्स मुतमिन हो गया, दिल मुतमिन नहीं है, दिल में अभी भी खटक है। समझ आ रही नहीं आ रही? दिल में अभी खटक है, नहीं ये हो सकता है, बेशक मेरे मैंने ये इसको समझ लिया ऐसा ही है, हो सकता है ये हक ना हो, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स हो। दिल में खटक है, नफ्स कह रहा नहीं नहीं ये हक है जो तुझे तेरे सामने है, दिल में खटक। तो कहा नहीं, मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए, दिल के इत्मीनान के मतलब क्या है? ये जाहिर जाहिर की आंखों नहीं सुनना देखना नहीं था, ये बातिन का सफर, दिल का सफर। काला आगे, अब ये देखें, अब काला कहा फाहुज अरबातन मिनत तैरी, तो फिर रब ने कहा क्या कर, पास अहज कर चार मिनत तैरी, जो तैर हैं उनमें से क्या अहज कर? चार, चार। जैसे आपको कहा जाता जी जो है वो मसलन तसव्वुर करें इतनी चीजें, उनमें से इतनी तसव्वुर कर लें। समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये कहा फाहुज अरबातन मिनत तैरी, पास अहज कर अरबातन चार मिनत तैरी, तैर से, तैर किसे कहते हैं? तैर वो जो फिजा में तैरने वाली अशिया, फिजा में तैरने वाली अशिया। कौन सी फिजा में तैरने वाली अशिया, जरा गौर कीजिएगा, ये बातिन का सफर हो रहा है। कौन सा सफर है? बातिन का भाई, दिल का सफर है। अगर कोई मुल्ला कहता है कि चार परिंदे पकड़, वो तो भाई परिंदे तो आंखों से देखे जाते हैं ना, हाथों से पकड़े जाते हैं ना जी, बिल्कुल भाई परिंदे वो तो आंखों से देखे जाते हैं, कानों से उनकी आवाज सुनी जाती है, हाथों से पकड़े जाते हैं, दिल का काम है? यहां कहा जा रहा दिल के इत्मीनान के लिए, तो कहा जा रहा अपने दिल को फिर कह, तेरा दिल अहज करे, पकड़े किसको पकड़े? चार तैर अहज, कौन से? दिल का सफर वही, कि ये मेटीरियल कहां से आया, ये देखें जरा, ये जमीन है ना, ये जमीन है, तो जमीन के गिर्द फिजा में शहाबिये हैं, तैर से आर्चे। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी, मैटर के सियार्चे, मटेरियल के मैटर के सियार्चे हैं। हाँ, मेटेराइड, मेटेराइड कहते हैं ना, मेटेराइड स्टेराइड, हाँ मेटेराइड, जो मेटेराइड हैं, अतैर या तैर नहीं है, अतैर है। तैर किसे कहते हैं? फिजा में तैरने वाले, अत्तैर जो मखसूस फिजा में तैरने वाले हैं। नंबर एक, पहले चीज ये इनमें रखनी है, नफ्स का इत्मीनान नहीं, दिल का इत्मीनान। किसका इत्मीनान? दिल का इत्मीनान। नंबर दो, हाथों से नहीं पकड़ना, दिल से पकड़ना। तो दिल से कौन से पकड़े जाएंगे, कौन से तैर, ये उड़ने वाले या फिर दिल पकड़ेगा वो जो ऊपर है फिजा में, जो आंखों से नजर नहीं आ रहे, जो आंखों की रेंज से बाहर है जी,
باہر. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ زمین کے گرد جو شہابیاں، یہ ہیں التیر، مخصوص تیر. تو کہا ان میں سے چار اخذ کر. تو وہ جو چار ہیں وہ کیا ہوا؟ فاسر ہننا لئی کا، فاسر ہننا. سر کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال ہوتا ہے سر سر سر، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد، یا سمجھ نہیں آ رہی؟ فا فا پس، وہ جو تیر ہیں وہ کیا ہوئے؟ سر ہوئے، سر 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 ہوئے. کدھر سر ہوئے؟ ہننا، وہ چاروں تیر جو ہیں وہ سر ہوئے کدھر؟ الہی کا، تیری طرف. کدھر ہے؟ تیری طرف. تو کہاں ہے اے میرے رب؟ میں تو زمین پر کھڑا ہوں، وہ تیر کہاں ہے؟ فضا میں، جی سپیس میں تیر رہے ہیں. ان میں سے جو مخصوص چار ہیں، وہ جو مخصوص تھے ان میں سے چار اخذ کر، وہ کدھر آئے؟ فا پاس سر ہوئے، سر سر کدھر ہوئے؟ تیری طرف. تو کدھر ہے؟ زمین پر. لہذا وہ کہاں آئے؟ زمین پر آئے. کب آئے؟ کیا تیری موجودگی میں آئے؟ نہیں نا، تو اس وقت تھا ہی نہیں نا. کیوں؟ اسی سے تو تجھے بنایا گیا، سمجھا رہی نہیں؟ وہ تو تمہارا میٹیریل ہے نا، وہ میٹیریل آ رہا ہے نا. تو فاسر ہونا ہی لے گا، اب کدھر سر ہوئے؟ وہ سر ہوئے تیری طرف. تو کہاں ہے؟ زمین پر. وہ زمین کی طرف آئے، سر سر کر کے وہ آئے زمین پر. وہ شہابیوں کی بارشیں ہوئیں. اچھا آگے کیا؟ سم مج علا علا کل جبل من ہننا جزءن. پھر کیا کیا؟ یہ جو زمین پر موت و حیات ہے، ان کے جو اجزاء ہیں، اجزاء کیا ہیں؟ ایلیمنٹس، ایلیمنٹس آف ارتھ، جن ایلیمنٹ سے مخلوقات بنائی جاتی ہیں. یہ جو اجزاء ہیں یعنی ایلیمنٹس ہیں، ان کو کیا کیا؟ تمام کے تمام جو اجزاء ہیں، ان تمام کے تمام اجزاء کو، کل جبل، جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی. یہ جو پہاڑ ہیں، یہ زمین کے اوپر جو مخلوقات وجود میں آ رہی ہیں، ان کا جو خام مال ہے، خام مال کے گودام ہیں. جی استاد جی، کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ سما پھر، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد کیا؟ سماد ہننا یا تینا کا سائیا. پھر وہ آہستہ آہستہ یعنی کوشش کرتے کرتے، مرحلہ مرحلہ طے کرتے 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 وہ تجھ تک پہنچ رہے ہیں، یعنی یہاں تک آئے. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ وہ جو زمین پر جو پہاڑ ہیں، خام مال کے گودام ہیں، اور چٹانیں جو ہیں وہ لیبز ہیں. چٹانیں کیا ہیں؟ لیبز نہیں، لیبز، لیبارٹریز، لیبز. جی جی لیبز. نیچے لاوا ہے، اوپر برف ہے، یعنی نیچے آگ ہے اور اوپر کیا ہے؟ ٹھنڈ رکھی ہوئی ہے. اور پہاڑ جو ہیں، ان کا ان چٹانوں کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہے جیسے آپ کے جسم میں شریانیں ہوتی ہیں. پہاڑوں سے زمین کے عناصر گردش کرتے 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 چٹانوں میں جاتے ہیں. چٹانوں میں وہ عناصر، نیچے سے ہیٹ ملتی ہے، اوپر سے ٹھنڈک ہے، پروسیس ہوتے ہیں. پروسیس ہوتے ہوتے وہ تین بن جاتا ہے، کالے رنگ کا کیچڑ زمین کا خون بن جاتا ہے. وہ خون جو ہے وہ اسی چٹان کی تہہ کے پوری زمین کے انگ انگ میں جاتا ہے. اس کو پھر نیچے سے لاوا ہیٹ کرتا ہے، کروڈ آئل بخارات میں یعنی کہ تبدیل ہوتا ہے، یعنی وہ گیسز میں تبدیل ہوتا ہے. وہ گیسز اوپر زمین کی طرف سفر کرتی ہیں. جیسے غور کیجیے گا، غور کیجیے گا ذرا. یہ ہے زمین، ٹھیک ہے جی. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر لاوا ہے، اس کے اندر لاوا ہے. یعنی اس کو ایسے بنانے کے لیے لکھ دیتے ہیں. زمین کے اندر کیا ہے؟ زمین کے، اس کو اور ایک طریقہ کرتے ہیں. ایل اے وی اے، نہیں لاوا کہیں، ٹھیک ہے لاوا، ٹھیک ہے جی لاوا ہے. اور زمین کا معاملہ کیا ہے؟ زمین کا معاملہ یہ ہے، یہ چٹانیں، ٹھیک ہے جی. اچھا یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ اندر لاوا ہے اور یہ چٹان کی تہہ ہے. یہ کیا ہے؟ چٹان کا خول ہے زمین کے گرد، اس لاوے کے گرد چٹان کا خول. اور یہ چٹان کیسے فارم ہوئی، کیسے وجود میں آئی؟ یہ چٹان کا خول جو ہے زمین کے اوپر، یہ چٹانیں اوپر کو نکلی ہوئی. یہ چٹان کا خول اس طرح فارم ہوا ہے، غور کیجیے، اس طرح فارم ہوا ہے کہ یہ زمین ایک وقت تھا جب ستارہ تھا. کیا تھا؟
آگ کا گولا تھا. یہ آگ کا گولا یعنی کہ وہ سیارچے آتے رہے, بارشیں ہوتے رہی, یہ پروسیس ہوتا رہا, آگ جلتی جلتی اس کے اوپر ایک وقت آیا جاگ وجود میں آنا شروع ہوئی. جاگ, ٹھیک ہے جی, جاگ وجود میں آنا شروع ہوئی. پھر چونکہ یہ اپنی مہر پر گھوم بھی رہا تھا تو گھومنے کی وجہ سے دباؤ پڑنے سے جاگ جگہ جگہ سے اوپر اٹھ گئی, جگہ جگہ سے اوپر اٹھ گئی. یوں پھر کیا ہوا, آہستہ آہستہ یہ جو جاگ ہے اس نے فریز ہونا شروع کیا, جمنا شروع کیا, ٹھنڈا ہونا شروع ہوا کیا, ٹھیک ہے جی. جاگ نے فریز ہونا, جب یہ جاگ مکمل فریز ہو گئی, ٹھنڈی ہو گئی, تو زمین کے گرد ایک چٹان کا خول چڑھ گیا. چٹان کا خول, وہ چٹان جیسے سپنج نہیں ہوتا فوم, اس طرح, کیونکہ جاگ تھی نا, جاگ خشک ہوئی تو سپنج. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا, اب یہ ہوا کہ یہ جو بیچ میں جگہ ہیں ان کو کیا کرنا ہے, ان کا فل کرنا ہے. کس سے؟ وہ مٹی کی جو تہیں ہیں وہ آ رہے ہیں, فسرون نا الہی کا وہ جو ہے فاحز اربات من الطیر, اب وہ سیارچے آ رہے ہیں شرد شرد کرتے ہوئے, سی سی کرتے ہوئے سیارچے گر رہے ہیں اور ہیٹ مل رہی ہے اور پروسیس ہو رہے ہیں, پروسیس یہ لیئرز وجود میں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. مٹی کی لیئر جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہیں. کلیئر ہو رہا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل. زمین جو ہے گھوم رہی ہے, دباؤ پڑ رہا ہے ابھی, تو جو سیارچے آ رہے ہیں ان سے جو میٹیریل ہے وہ یہ جو پہاڑ ہیں یہاں پر, یعنی کہ وہ پہاڑیوں کی صورت میں وہ جمع ہوتا جا رہا ہے, پہاڑوں کی صورت میں سٹور ہوتا جا رہا ہے. یوں جب یہ چار اقسام کے شہابی آئے, نہ صرف زمین مکمل ہو گئی بلکہ کیا ہوا کہ یہ جو گیسیں خارج ہوتی رہیں, یہ زمین کے گرد ایک مکسچر گیسوں کا وجود میں آ گیا, ایک مکسچر. جب یہ سلسلہ تھم گیا تو کیا ہوا, یہ جو آخری چار اقسام کے شہابی آئے تھے, آخری چار اقسام کے شہابی آئے تھے, یہ وہ شہابیے تھے جن سے زمین کے اوپر موت و حیات کا نظام چل رہا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ وہ شہابیے تھے جن شہابیوں سے جو گیسز خارج ہوئیں ان گیسز کے سب اٹامک پارٹیکل سے ہائیڈروجن اور آکسیجن وجود میں آئی, ہائیڈروجن آکسیجن ملی, بارشیں شروع ہوئیں, اور وہ بارشیں جب سٹارٹ ہوئیں ہوتی ہوتی اونچی جگہ سے پانی سفر کرتا 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 نیچے کو پر بہنا, یوں یا اس طرح جو ہم نالے ندیاں دریا اور دریا سمندروں میں جا گرے, سمندر وجود میں آئے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو یہ ہے. اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا کہ پہاڑوں سے جو خام مال ہے, ایلیمنٹس آف ارتھ ہیں, وہ چٹانوں میں جاتے ہیں, چٹانوں میں فارم ہوتے ہیں, کروڈ آئل میں تبدیل ہوتے ہیں. اسے کروڈ آئل کو تو ایک توئے والا تین کہا کہ ایک تے والا تین, تے والا تین وہ جو مولویوں نے جو انجیر بنائی ہوئی, تے والا تین کہتے ہیں کہ جن عناصر سے یہ کروڈ آئل بنتا ہے وہ عناصر مجموعی طور پر تین کہلاتے ہیں. توئے والا تین کہتے ہیں کروڈ آئل کو, لیکوڈ کو, وہ جو کیچڑ ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب کیا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. اب غور کیجیے گا. ہاں اب کیا ہوتا ہے, لاوا ہیٹ کرتا ہے یہ, اب چٹانوں کے اندر کروڈ آئل فارم ہوتا ہے, چٹانوں کے اندر ہے یہ کروڈ آئل, چٹان ہی کی تہ میں ٹریول کرتا ہے یہ کروڈ آئل, زمین کے انگ انگ میں موجود ہے کروڈ آئل, زمین کے انگ انگ میں موجود ہے. اب اس کروڈ آئل کو کیا ہوتا ہے, لاوا ہیٹ کرتا ہے, چٹان گرم ہے, چٹان کا جو خول ہے وہ گرم ہے. تو کیا ہوتا ہے, کروڈ آئل کو جب لاوا ہیٹ دے رہا ہے تو کروڈ آئل کریک ہوتا ہے, اس کے مالیکول بانڈ کیا ہوتے ہیں, کریک ہوتے ہیں. جب کریک ہوتے ہیں یہ گیسوں میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ اوپر کی تہوں کی طرف ٹریول کرتا ہے, اوپر کی طرف, باہر کی طرف. نتیجہ کا نکلا, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ گیسیں یہ چٹانوں کے اندر بھر جاتی ہیں, بھری رہتی ہیں, جیسے یہ سوئی گیس اور فلاں گیس اور ایل پی جی اور جو نام دیتے ہیں جی, سی این جی اور ہے, وہ کروڈ آئل سے نکالتے ہیں. کروڈ آئل کو جب کریک کرتے ہیں نا, یہ وہ ہے تو وہی, لیکن یہ مصنوعی طریقے سے, یعنی کروڈ آئل کو جب کریک کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے اینڈ پر گیس جو ہے وہ رہ جاتی ہے, باقی گیسیں فریز ہو جاتی ہیں, کوئی موبلائل, کوئی جو ہے وہ پیٹرول, نافتھا, اس طرح جب اینڈ پر نکل دیا تو اس کو جو ہے سلنڈروں میں بند کر کے, تو یہ جسے سی این جی کہتے ہیں. ہاں تو
क्या होता है, क्रूड ऑयल जो है वो गैसों में क्रूड के ऊपर को जब ट्रैवल करता है, जब मट्टी की तह में आता है तो नतीजा का निकलता है कि जो जो उसका जिस चीज का फ्रीज पॉइंट आता है वो गैसें फ्रीज हो जाती हैं, दोबारा अनासर में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो अनासर क्या होता है, पानी, पानी वो अनासर और सूरज की जो रेज है, सूरज की रेज जब आती हैं मट्टी के अंदर, इन तीनों का इख्तलात होता है तो निबातात वजूद में आती हैं, वो ये अनासर पानी के अंदर जो है वो समंदरों के अंदर जो है वो जब प्रोसेस होता है तो जान वजूद में आती है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ये जो हम बात कर रहे थे उस वक्त इर्तका के ऊपर, ठीक है जी। बहरहाल अब होता आज, आज देखें आज गर्मियां, ये गर्मी दिन दिन बढ़ती जा रही है, लॉजिक क्या पेश करते हैं साइंसदान, कहते हैं जनाब ओजोन लेयर फट गई है, ओजोन लेयर फट गई है, सूरज से जनाब जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो आ रही है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। वो अक्ल के दो दर्जा हरारत इस वजह से नहीं बढ़ता जा रहा, दर्जा इस वजह से बढ़ रहा है, सूरज से रेज आती हैं, सूरज से रेज ऐसे आती हैं जैसे वो मिसाल के तौर पर सूरज से जो एनर्जी आती है वो क्या है, वो बारूद है, आग है, लेकिन वो आग ठंडी हालत में आती है। वो सूरज से आने वाली रेज जब जमीन के गर्द गैसों के तहों में आती हैं तो वो ब्लास्ट होती हैं, डेटोनेट होती हैं, इन गैसों के साथ इख्तलात होने से डेटोनेट होती जाती हैं, उनमें से मजीद रेज निकलती जाती हैं, तकसीम होती होती, यहाँ तक के कुछ रेज जो हैं वो यहाँ ये जो फिजा यहाँ के फटती हैं, हरारत प्रोड्यूस करती हैं, और कुछ रेज जो हैं वो ज़मीन के अंदर जब मट्टी में जाती हैं तो मट्टी के अंदर जो क्रूड ऑयल से जो गैसें आई हुई होती हैं उन गैसों के साथ जब इख्तलात होता है उन अनासर के साथ, तो वो सूरज से आने वाली जो एनर्जी है वो डेटोनेट होती है, वो अपनी तबकारी बेनकाब करती है, जिससे ज़मीन के अंदर नमी पैदा होकर फिर निबातात वजूद में आती हैं। आपने क्या किया, आपने यह किया कि वो गैसें जो जमीन के अंदर हैं, वो गैसें जिनका सूरज की रेज के साथ जमीन के अंदर इख्तलात होता है, आपने वही गैसें ओपन फिजा में छोड़ दी, गाड़ियों में पेट्रोल ये सारा इंजनों की सूरत में जब आप जलाते हैं तो ये जो धुएं खारिज करते हैं, धुएं क्या है, ये वही तो गैसें हैं। जब ये गैसें आपने फिजा में छोड़ दी तो सूरज से आने वाली वो रेज जिन्होंने जमीन के अंदर जाकर डेटोनेट होना था, अपनी ताबकारी बेनकाब करनी थी, वो रेज जमीन के अंदर जा ही नहीं पाती, वो फिजा में जब उन्हें उनको डेटोनेटर मिलते हैं तो डेटोनेट हो जाती हैं, ताबकारी बेनकाब करती हैं और फिजा गर्म हो जाती है। नतीजा यह निकलता है दर्जा हरारत जितनी गैसें आप बढ़ाते जाओगे दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और जमीन की जो उगाने की सलाहियत है उतनी वो रिड्यूस कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सूरज की रेज नहीं जा रही, वो रेज रास्ते में ब्लास्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपने वो गैसें जिन जो गैसें उन रेज के डेटोनेटर हैं, समझ आ रही नहीं आ रही, वो डेटोनेटर आपने फिजा में बिछा दिए तो रेज जैसे ही आती हैं ये डेटोनेटर पहले कहते हैं आ जा भाई, डड़ाल डड़ाल धमाके हो रहे हैं, तबकारी भी इनकार हो रही, गर्मी हो रही है, गर्मी ना हो तो और क्या हो जी, यानी केमिकल रिएक्शन ऊपर हो जाता है, यही हो जाता है इस फिजा में जी, तो नतीजा क्या निकलेगा, गर्मी तो बढ़ेगी। कोई दुनिया का साइंसदान है मेरी इस बात को रिजेक्ट करके दिखाए, गलत साबित करके दिखाए, आज मैं ध्यान में बिल्कुल आए ना बताएं, क्या अहमद ईसा मैसेंजर ऑफ मदर नेचर है या नहीं, दुनिया की कौन सी साइंस है, कौन सी गूगल है जो ये राज जिसने ये खोल कर रखे हुए बताएं जरा। साइंस तो कहती है क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल फॉसिल फ्यूल्स है, वो भाई क्रूड ऑयल फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल मतलब क्या है, जानवरों के अजसाम बाकियात से वजूद में आया। मैं आपसे सवाल करता हूं क्या अच्छा वो जानवर कब वजूद में आए, वो जो जानवर का कहते हैं वो जानवर तब वजूद जब जमीन मुकम्मल नहीं थी, जब जमीन मुकम्मल नहीं थी, जब जमीन मुकम्मल नहीं थी तो पानी कहां से आ गया, क्यों पानी जमीन पर आया, जमीन के मुकम्मल होने के बाद पानी जमीन पर आया, जमीन के मुकम्मल होने के बाद, और वो जानवर आए जमीन के मुकम्मल होने से पहले, और जान जिंदगी पानी के बगैर वजूद में नहीं आ सकती, दुनिया की कोई ताकत साबित करके दिखा दे, और जब जमीन मुकम्मल ही नहीं थी, जमीन पर पानी नहीं था, बगैर पानी के वो जानदार वजूद में कैसे आ गए, इससे बड़ा कोई धोखा हो सकता है, दजल हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया के साइंसदान को, पूरी की पूरी साइंस को, आज मैदान में मुझे गलत साबित करके दिखाएं, जो गलत साबित कर दे अहमद ईसा गर्दन पेश कर देगा। फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल अक्ल के अंदर कहां फॉसिल फ्यूल, ये इनको हकायक का इलम है, ये जो बड़े बड़े ऊपर साइंसदान हैं, मोहसिन क्यों नहीं बताते, मोहसिन शयातीन इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको पता है अगर हकायक बता दिए तो दुनिया रोकेगी, दुनिया कहेगी भाई अपने ही घर को तबाह कर रही हो, समझ आ रही नहीं आ रही, अपनी नस्लों को क्या देने देके जा रहे हो,
क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी उस्ताद जी बिल्कुल। पानी आता है जमीन, देखें सबसे पहली बात, जान पानी के बगैर में वजूद, पानी के बगैर वजूद में आ ही नहीं सकती, जान पानी के बगैर वजूद में आ नहीं सकती, बिल्कुल आ ही नहीं सकती, ठीक है। और पानी जमीन पर आया, जमीन के मुकम्मल हो जाने के बाद, और साइंस को तो आज तक ये नहीं पता पानी कहां से आया जी, ये खलाम है, पानी के सियारचे तलाश कर रहे हैं, ओकल केंदो, ये जो जमीन के गिर्द सियारचे हैं मेटेराइड, उनमें चार इकसाम के मेटेराइड आते हैं, उन चार इकसाम के मेटेराइड के अंदर पानी के सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। समझ आई नहीं आई? जी उस्ताद जी बिल्कुल मौजूद है। पानी जो है उसको, पानी के जो, यानी पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो उन चार तरह के सियारचों में तकसीम करके रखे हुए हैं। समझ आई नहीं आई? जी उस्ताद जी बिल्कुल। तो चीज ये है, आप देखें जरा गौर करें, ये सारी बातें क्यों आपके सामने रखी, ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रखी कि रब क्या करता है। अब ये जो राज हैं ये कोई इंसान खोल सकता है जी? नहीं। अब रब एक बशरी सूरत में सामने आकर प्रैक्टिकली दिखाता है कि इस तरह हिदायत मिलेगी, इस तरह करना है। समझ आ रही नहीं आ रही? जिसको मिल्लत इब्राहिम कहा गया, जिसको मिल्लत इब्राहिम कहा गया, इब्राहिम। अब यूं ये है रसूल, रसूल कब आता है? जब ज़लाल मुबीन, और ये किरदार होता है रसूल का। रसूल जो है वो क्या होता है? रसूल ना सिर्फ आप ही की जबान में आपके ऊपर हक हर लिहाज से खोल खोल कर वाजे करता है, आप ही में से आता है, बल्कि रसूल फिर प्रैक्टिकल दिखाता है, ठीक है जी। अब जब रब ने, यानी रब खुद आया रसूल की सूरत में, रब ने पैदाइश से लेकर मौत तक सब कुछ करके दिखा दिया, तो उसके बाद रब कहता है अब तुम जाने और तुम्हारा काम जाने, अब मैं तुम्हारे काम में मुदाखलत नहीं करूंगा, अब मैं तुमसे हिसाब लूंगा, पूछगिछ करूंगा, ठीक है जी। मैं उस वक्त तक दोबारा सामने नहीं आऊंगा तुम्हारे इस सूरत में जब तक दोबारा जरूरत पेश नहीं है, दोबारा तुम 100% मेरे मुख्ताज नहीं बन जाते, यानी जब तक दोबारा जलाल मुबीन नहीं आ जाती। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो दरमियान पीरियड है 500 साल का हो, 1000 साल का हो, 2000 साल का हो, 15 साल का हो, क्या इस अरसे के दौरान लोगों को हिदायत की जरूरत नहीं है, रहनुमाई की जरूरत नहीं है? जी जी उस्ताद जी बिल्कुल, रहनुमाई की जरूरत है। तो उसके लिए फिर रब ने क्या किया, रब क्या करता है? रब कहता है, गौर कीजिएगा जरा, यह देखें यहां पर है जलाल मुबीन, ठीक है जी, जी। यहां पर आता है रसूल, ठीक है जी, जी रसूलुल्लाह, यानी कि रब खुद आता है एक बशरी सूरत में, ठीक है जी, नेचर खुद आती है। अब यहां तक रसूल रहता है, ये रसूल की पूरी जिंदगी होगी, ठीक है जी, जी जी। अब अगर बाद में जलाल मुबीन आती हैं यहां पर, यानी कि 1000 साल बाद, ठीक है जी, After 1000 years, यहां पर अब यानी जलाल मुबीन आने आएंगी, तो जारी बात है फिर जो है वो फिर रसूल जो है वो रब यानी फिर आ जाएगा, ठीक है ना, रब खुद आएगा। अब सवाल ये बताइए, इतना जो दरमियान में अरसे, इस अरसे में क्या किया जाए? तो उसके लिए वही बात कि ये जो इंसान हैं, ये जो बशर हैं, ये जो बशर हैं, इनके अंदर क्या ये सलाहियत नहीं रखी गई नबी बनने वाली? नबी किसे कहते हैं? नबी नबा से है, नबी नबा कहते हैं वो इलम जो अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। कौन सा इलम? तुम्हें दुनिया में क्यों लाया गया, तुम कौन हो, क्या हो, दुनिया में किस मकसद के लिए आए हो, क्या करना है, क्या नहीं करना, फायदेमंद क्या है, नुकसानदेह क्या है जी, जिसे उर्दू में कहते हैं रहनुमा। तो अल्लाह ने ये जो बशर हैं इंसान, इनके अंदर भी रहनुमाई की सलाहियत रखी, रहनुमाई की सलाहियत है। तो जिस में इंसानों की रहनुमाई करने की सलाहियत रखी गई, उसको कहा कि रसूल होता है, रसूल सिर्फ रसूल नहीं होता बल्कि वा खातमन नबीन, ठीक है जी, यानी वो खातम होता है बाद में आने वाले नबियों का,
खातम यानी फिल्टर, वो उसको फिल्टर बना, यानी जिस जो जिस में जिस शख्स में भी जिस फर्द में भी हमने इंसानों की रहनुमाई करने की सलाहियत रखी, उसके ऊपर लाजिम है कि वो रसूल को अपने लिए फिल्टर बनाते हुए खुद को उसमें से गुजारे, यानी बिल्कुल उसके जैसा बने, जैसे उसने दावत दी थी, जैसे उसने हक वाजे किया था, बिल्कुल उस तरह इंसान के ऊपर करे। लोगों का माल नहीं खाना, लूटना नहीं, कोई अपना मकसद नहीं, कोई लालच नहीं। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो जो फिल्टर से निकलेंगे, जो नबी, ये जो है ये रसूल नबी है, शुरू में जो है वो रसूल नबी है, रब का भेजा हुआ नबी है। अब ये जो है, अब ये आप पर डिपेंड है कि अगर आपके अंदर इंसानों की रहनुमाई करने की सलाहियत है, अगर आप में इंसानों की रहनुमाई की सलाहियत है, इंसानों की रहनुमाई करने की सलाहियत है, तो फिर ये आपको तय करना है कि आप जो हैं इस जिम्मेदारी को उठाते हैं या नहीं उठाते। अगर इस जिम्मेदारी को उठाना है, उठाना है यानी नबी बनना है, तो फिर आपके लिए लाजम है आप ये जो रसूल है उसको चूंकि खातम फिल्टर बनाया गया, तो आप खुद को फिल्टर से गुजारें, यानी बिल्कुल वैसे बने। जब आप फिल्टर से गुजारेंगे अब खुद को, यानी बिल्कुल वैसे बनेंगे, तो आप क्या, वो क्या है रसूल, तो आप क्या बनेंगे, नबी रसूल। समझा रही नहीं? ये क्या है, ये रसूल नबी है, यानी वो नबी लाया हुए रब का है, वो नबी लाया हुए रब का है। आपके ऊपर डिपेंड है ये, आपके आपके इख्तियार में आया, आप रसूल बनते हैं या फिर आप रसूल की बजाय मुजरम बनते हैं। मुजरम यानी कि आप रसूल बनने की बजाय आप अपनी ख्वाहिशात की इत्तबा करते हैं, माल के लिए, दौलत के लिए, किसी लालच में आप लोगों की, इंसानी की रहनुमाई के दावेदार बन जाते हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? लिहाजा अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या है, ये जुर्म। और इसी वजह से इसी कुरान में सूरह हज में कहा कि नबियों की कसीर तादाद जहन्नम में जाएगी और हमेशा रहेगी, नहीं निकलेंगे। वो कौन से नबी हैं? मुजरिमीन, जिनको ये हक हासिल नहीं था कि वो इस जिम्मेदारी को उठाएं। वो कौन से हैं? जिनको आप मुल्लाटे कहते हैं। नबी उर्दू में कहते हैं रहनुमा को, रसूल कहते हैं भेजा हुआ। अब ये जो मौलवी हैं इनसे पूछो क्या तुम रब के भेजे हुए हो? कहते हैं नहीं नहीं ना 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 ना, हम तो रब के भेजे हुए नहीं। जब तुम रसूल नहीं हो, नबी रसूल नहीं हो, तो पीछे का बचता है, पीछे नबी शैतान बचता है। अगर तुम रब के भेजे हुए नहीं तो शैतान के भेजे हुए हो ना जी। उस्ताद जी बिल्कुल, हर शह से उसका जोड़ा है। दो चीजें, या तुम हक बोल रहे हो, अगर हक नहीं हो तुम बातल, सच बोल रहे हो, सच नहीं, अगर आप कहते मैं सच नहीं बोल रहा तो फिर आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप खुद मानते हो कि मैं रब का भेजा हुआ नहीं हूं, तो फिर जारी बात है आप शैतान के भेजे हुए हो जी। जबरदस्त। तो अहमद ईसा, अहमद ईसा रब का भेजा हुआ है, अहमद ईसा खुद बजाते हैं, खुद रब है, ये रब बोल रहा है। ये जो तुम्हें सामने नजर आ रहा है ये 5-6 फीट का, ये रब की जबान है, ये मैं नहीं, ये मेरा है। यहां तक बात समझ आई नहीं आई? जबरदस्त। अच्छा आप जरा गौर करें, रसूल कैसे आता है? रसूल क्या लोगों की ख्वाहिशात के साथ आता है? नहीं आता रसूल लोगों की ख्वाहिशात के साथ है? नहीं आता। रसूल को कत्ल करने की कोशिश की जाती है? नहीं। पूरी हर लिहाज से दुश्मनी की जाती है? नहीं की जाती जी। लेकिन कोई रसूल को कत्ल कर पाता है? नहीं नहीं। क्यों नहीं? अगर रसूल कत्ल हो जाए तो वो फिर खातम नबी, या उसमें उस्वातन हसन ही साबित नहीं होता। जिसमें उस्वातन हसन साबित ना हो तो रसूल ही साबित नहीं होता। तो रसूल को दुनिया की कोई ताकत इस वजह से कत्ल नहीं कर सकती क्योंकि रसूल रब खुद होता है ना। तो रब की कोई, मेरे पर रब को कोई धोखा दे सकता है? रब से कोई बेहतर मंसूबा बंदी कर सकता है? नहीं। समझ आ रही नहीं? बिल्कुल नहीं। जबरदस्त। अब होता क्या है, जो दरमियान में नबीयीन आते हैं, नबीयीन जो नबीयीन रसूल बनते हैं, यानी जो रसूल के नक्शे कदम पर चलते हैं, बिल्कुल वैसे बनते हैं, जो हक पर डट जाते हैं, तो उनमें से यानी जितने भी होते हैं कुछ का कज़्ब किया जाता है, उनकी दावत नहीं मानी जाती, और कुछ का कुछ को कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल क्यों किया जाता है? कत्ल इस वजह से होता है कि वो वही बात, वही चीज़ आ जाती है कि जब उनके ऊपर हालात तंग होते हैं, जब उनको कत्ल करने की कोशिश की जाती है, तो बजाय इसके डटने के वो लचक दिखा जाते हैं, वो मसलहत के नाम पर वो बचाव का रास्ता तलाश करना छोड़ जाते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? ये जो उनका जुर्म होता है, अब इस जुर्म की सजा उन्हें इसे दुनिया में दे दी जाती है। जब तुमने ये जुर्म किया बजाय इसके तुमने डटने के, तो मसलहत के नाम पर तुमने ये किया, लिहाजा अब इसकी सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सजा क्या? कत्ल हो जाएंगे। समझ? ताकि अब ये
ये रब की तरफ से उनके लिए रहमत होती है, क्यों उनका पीछे जो इतनी मेहनत है वो जाया नहीं की जाती, उनको जो जुर्म है उसकी सजा यहीं दे दी। लेकिन जो कत्ल करने वाले हैं मुजरिम साबित हो जाते हैं। तो यूं अब आपके ऊपर ये बात वाजे हो जानी चाहिए, जो सवाल आपने किया था क्या आपके और मोहम्मद के दरमियान कोई और रसूल नहीं, वो जो नबीन है एक नहीं बहुत सारे आए, लेकिन उनको क्या किया था, कत्ल किया जाता, उनका कज़्ब किया जाता रहा, ठीक है ना जी उस्ताद। और यही वो वजह है जिस वजह से आज ये खुद को मुसलमान करवाने वाले इस हालत से दो चार है, जलील और रुसवा हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है, छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ, छोटी सी मिसाल में आपके सामने, मिसाल के तौर पर आपको किसी ऐसी जगह पर ले जाया जाए, आपकी आंखें बंद कर दी जाएं, आपको किसी ऐसी जगह पर ले जाकर आपकी आंखें खोल दी जाएं जहां के बारे में आपको अली बेब नहीं, आपको नहीं पता कि आपको कहां ले आया गया, वहां पर कदम कदम पर आपका दुश्मन गात लगाए बैठा हुआ है, वहां पर बहुत सारे रास्ते हैं, हर रास्ता आग की तरफ जाता है, तबाही की तरफ, हलाक की तरफ जाता है, सिवाय एक रास्ते के जो कि पता नहीं कौन सा रास्ता है, किधर किधर से होकर जाता है और वहां वो रास्ता मंजिल पर जाता है। मैं आपसे सवाल करता हूं, वहां से आपने निकलकर अपनी मंजिल पर पहुंचना, कैसे पहुंचेंगे, किस तरह पहुंचेंगे जी? वही जिसको रास्ते का पता हो। आपको वहां पर रहनुमाई की जरूरत है, रहनुमा की जरूरत है, किसकी जरूरत है, रहनुमा की, रहनुमा की जरूरत है। रहनुमा कौन हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जिसको वहां के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है? नहीं। या फिर रहनुमाई सिर्फ तो वही कर सकता है जो वहां के अंग अंग का इलम रखता है, इलम रखते हैं अंग अंग। जिसको पता है कि कौन सा रास्ता किधर जाता है, किस रास्ते पर, कहां पर, कितने और कौन से दुश्मन किस तरह से गात लगाए बैठे हुए हैं, किस तरह से वो हमलावर होते हैं, किसको पता है कहां कब से किस तरह निकलना है, किस तरह मंजिल पर पहुंचना है। समझ आ रही नहीं आ रही जी उस्ताद जी? और वो कौन होते हैं, वो नबीन। ये दुनिया बिल्कुल ऐसी दुनिया है, इस दुनिया के बारे में आपको कुछ नहीं इलम, इस दुनिया में इज्जत कैसे हासिल की जाती है, बुलंद मकाम कैसे हासिल किया जाता है, आपको कुछ नहीं इलम। अगर आपको आसमान जमीन की जिम्मेदारी दी गई तो पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है, आपका दुश्मन जगह जगह गात लगाए बैठा हुआ है आपको डसने के लिए। ऐसी सूरत में अगर आपका रहनुमा आपके सामने आता है, आप उसे कहते हैं जा हम तेरी नहीं मानते, हम तेरे पीछे नहीं चलेंगे, तो क्या दुश्मन जो है क्या इस मौके से फायदा नहीं उठाएंगे, उनको नहीं पता इनको रहनुमाई की जरूरत है? क्या दुश्मन आपका रहनुमाई का लबादा उड़कर आपके अंदर आएगा या नहीं आएगा जी? बिल्कुल। वो रहनुमाई का लिबादा उड़कर क्या आपको मंजिल की तरफ लेकर जाएगा या फिर आपको किसी खाई की तरफ लेकर जाएगा, तबाही की तरफ लेकर जाएगा? तबाही की तरफ जी। तो ये चीज है, जब रहनुमा आते रहे, जो असल वाकदार रहनुमा थे, जो सच्चे उलमा थे, जो हक थे, इन्होंने उनका कुफर किया, उनका कज़ब किया, कहा हम तुम्हारी दावत नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनकी ख्वाहिशात के साथ नहीं आए, उनकी दावत इनकी ख्वाहिशात के ऊपर जरबे पड़ती थी। समझ आ रही भी नहीं आ रही जी? ये या तो उनका कज़ब कर देते थे, हम तुम्हारी दावत नहीं मानेंगे, उनका मजाक उड़ाते, उनको तशद्दुद करते, या फिर उनको कत्ल कर देते थे। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत मशहूर वाक्य है जो जिसे हुसैन बिन खलाज कहते हैं, ये उसके बारे में क्या है, आज भी मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत जो वो क्या कहते हैं, कहते हैं उसको अच्छा किया, कत्ल किया, और कत्ल उसको पहले फांसी दी, फिर उसकी बोटियां बोटी, पहले तो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इंतहा का तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर उसे फांसी दी गई, फांसी पर इक्तफा नहीं किया, उसके बाद उसके जिस्म की बोटियां बोटियां की, फिर भी इक्तफा नहीं किया, उसकी बोटियों को जलाया, फिर भी इक्तफा नहीं किया, उस राख को हवा में उड़ाया, समंदर में बहाया। जब आप अपने रहनुमाओं के साथ जो नबी हैं वाकईतन रब के भेजे हो, जब उनके साथ आप ऐसा करेंगे तो आप क्या समझते हैं आपको इज्जा मिलेगी, बुलंद मकाम मिलेगा या फिर जलील होंगे? यही तो बनी इसराइल के बारे में कुरान जिक्र करते हुए क्या कहा, कुरान में क्या साथी वाली ने वाजे किया, बनी इसराइल इस वजह से जलील हो गए थे क्योंकि वो अपने अंबिया को कत्ल करते रहे, कज़ब करते रहे। उनका जारी बात है, जब आप अपने रहनुमाओं का जो आपके सर रहनुमा है उनका कज़ब करेंगे, हम तुम्हारी दावत नहीं मानेंगे, तुम्हारे पीछे नहीं चलेंगे, क्यों, तुम हमारी ख्वाहिशात के साथ नहीं आए, हम तुम्हें कत्ल करेंगे, जब अपने रहनुमा का कज़ब करेंगे, उसका कत्ल करेंगे, तो मुझे आप खुद बताए ना आप कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, नीचे बुलंद मकाम पर जाएंगे या फिर जलील हो जाएंगे? जलील हो जाएंगे जी जी उस्ताद जी। तो जैसे बनी इसराइल जलील हुए, बिल्कुल सेम टू सेम ये खुद को मुसलमान कहलवाने वाले ये जलील हुए, और जो इनका दुश्मन है ये मुलाटे, ये इनको अपना रहनुमा बनाए हुए, इनके पीछे अभी तक इनको अक्ल नहीं आई कि इन मुलाटों ने इन्हें कहां कहां ले आए,
ان کو دنیا کی ذلیل ترین مخلوق بنا دیا ان ملاٹوں نے، پھر بھی ان ملاٹوں کے دفاع میں کیسے آگے آگے ہوتے ہیں؟ بجائے یہ کہ ان ملاٹوں سے پوچھا جائے، بجائے یہ کہ ان ملاٹوں سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ یہ تم ہم میں کہاں لے آئے، الٹا ان ملاٹوں کا دفاع کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل استاد جی بالکل، ہے عقل کی بات؟ ایسے لوگ عقل مند ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ انجام تو پہلے سے طے شدہ واضح ہے، ہلاک ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلاکت سے نہیں بچا سکتی۔ بہر اب آئیں دوسرے سوال کی طرف، پہلے سوال کا جواب کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ جی استاد جی زبردست۔